पैटर्न है उससे सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मैं 11th बैच में था। मतलब 2008-09 में मैंने ये कोर्स किया था। और ऐसे बोला जाता है कि फर्स्ट सेल इज द क्यूरियस सेल एंड सेकंड सेल इज द राइट सेल। तो ये टाइम पे मैं वापस ज्वाइन हुआ, तो दैट इज द पावर ऑफ दिस कोर्स। पिछले 12, 13, 14 साल से मैं कर रहा हूँ और मैं हकीकत में धंधा को एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जब भी मेरे को स्ट्रेस हुआ। और आजकल जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि तू ही एक एंटरप्रेन्योर कोच बन गया। इस तरह की पावर मेरे में आ गई। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्स का जो वीडियोज है वो मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। और ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया कि जब भी मैंने वो वीडियो नहीं देखा। रेगुलरली मैं वो वीडियो की वजह से बहुत सारा पावर मिलता है मुझे। और कितनी भी क्राइसिस आए, वो क्राइसिस को अच्छी तरह मुझे मालूम है कि जब भी मैं कोर्स में गया, शायद आपको भी याद होगा कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सर के गाइडेंस से और अपनी उस टाइम पे सोच चली कि उसके बाद में रिवाइव किया और डबल जोर से चला। अभी अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो बेस्ट पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज में मेरा फोटो आएगा पहले पेज पे। हम लोग सर्विस मल्टीप्लायर इनका सीडी मैंने जो देखा था अपने यहाँ पे, इस तरह का कल्चर मैंने डेवलप किया है कि हर एक छोटा से छोटा आदमी जो है ना, वो भी अभी ट्रेन करता है लोगों को। इस तरह का लर्निंग कल्चर है हमारा। जितना भी हमने स्ट्रेटेजी शीट है, डेलीगेशन है, जितनी भी चीजें मेरे को बोलो, अभी सब चीज बाई से हार्ट है, फिर भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो साथ में रहने का जो आनंद है और जो नया अभी जो डेवलपमेंट किया होगा पिछले 12-15 साल के अंदर, वो अभी मुझे सीखने को मिलेगा। तो ये उमंग और इच्छा की वजह से मैं कंटिन्यूसली साथ में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो 10 गुना बढ़ेगा, घटने वाला तो कभी है नहीं। ये पूरा पूरा वर्थफुल है इन्वेस्टमेंट, इतना मैं कहूंगा। थैंक यू वेरी मच।